वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 6 रेखीय समीकरण। नेक्स्ट कह रहा है वज्र गुणन विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। 5x+3 / x^4 = 3। अब दोनों पक्षों में x^4 से गुणा करेंगे, हम दोनों साइड गुणा कर देंगे, ये x^4 इसको काट देगा, समीकरण आ जाएगा 5x + 3 = 3x^12। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 5x + 3x = 12/3 यानी 2x = 9, x = 9/2 धन 1/3 = 3x + 7/4। वज्र तिर्य गुणा करेंगे हम, तो 3x + 1 / 4 3x + 7 / 3 सॉल्व करेंगे, 12x + 4 = 9x + 21। तो दोनों का पक्षांतर कर देंगे, 12x + 9x = 21/4 3x = 25 x = 25/3 तो x = 25/3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए x^3/5 = x^4/7 तो तिर्य गुणा करेंगे, x^3 / 7 x^4 / 5 सॉल्व करेंगे, 7x + 21 = 5x + 20 7x + 5x = 20 / 21 तो 2x = 1 x = 1/2 तो हमारा आंसर आ जाएगा x = 1/2। नेक्स्ट x^2/3 / 4x = 2 तिर्य गुणा करेंगे, x^2 = 2 × 3 / 4x x^2 = 6 / 8x पक्षांतर करेंगे, x^8x = 6/2 9x = 8 तो x = 8/9 आंसर हो जाएगा हमारा 8/9। नेक्स्ट x^1/3 x^4 = 5/7 तिर्य गुणा करेंगे, 7x + 1 = 5 × 3x + 4 7x + 7 = 15x + 20 पक्षांतर करेंगे, 7x + 15x = 20/7 तो 8x + 8x = 13 x = 13/8 = 13/8 आंसर हो जाएगा हमारा x = 13/8। 1/2 × x^1/5x^2 1/3 × 9/8x / 2/5x बच्चों ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको सॉल्व करने में मुझसे भी गलती हो गई, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 1 का मल्टीप्लाई होके ये सेम टू सेम रहेगा। अपने सुविधा के लिए 9/8x को मैंने 8x/9 कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और बाकी ये देखिए सेम उतरा हुआ है। यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि √3 कैसे हुआ। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का इसमें कर दें तो ये हो जाएगा 6/5x। अब अगर उसमें में से हम √3 को बाहर निकालें, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका 5, ऋण बदल जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा +5 और √2, तो उसी को मैंने उल्टा करके लिख दिया है। तो √3 को हमने बाहर निकाल लिया, 5x/2 इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए अगर हम इसको और सॉल्व करते तो ये आपका बनता कैसे, 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता 6 आपका हो जाता 15x। ठीक है, अब इसमें में से अगर हम √3 फिर से बाहर लेते, √3 अगर आप बाहर लेते तो ये क्या बनता, 6 बन जाता आपका √2 और ये बन जाता धन 5x। अब अगर हम इसको सीधा करके लिखते तो ये क्या बनता, √3 यानी 5x/2। इसी तरह से मैंने इसको कन्वर्ट किया है, ये 3 स्टेप में होगा लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है तो मैं आपको 3 स्टेप यहाँ पे समझा दे रही हूँ। सबसे पहले हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद ये आपका बन जाएगा 6/15x और जब इसमें में से हम √3 को बाहर निकालेंगे तो अगेन ये √2 हो जाएगा और ये धन 5x हो जाएगा, क्योंकि हमें कन्वर्ट किस में करना है, 5x/2 में। फिर अब देखिए, अब इसके बाद हमें इसका कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 2 गुणे है यहाँ पे 5x/2, ये तो फैक्टर कॉमन है, और 2 और √3 का जो कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, वो होगा √6। एलसीएम जो हम निकालते हैं बच्चों सेम वही है, तो 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा, √6। तो वही उसी से मैंने यहाँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए दोनों साइड हम जब एक ही चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो समीकरण पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको हम वज्र गुणनखंड कहते हैं।
वज्रगुणन, सॉरी वज्रगुणन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऋण छः पाँच एक्स ऋण दो से मल्टीप्लाई किया इस साइड, और ऋण छः पाँच एक्स ऋण दो से मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। अब होगा क्या, ये पाँच एक्स ऋण दो इससे कट जाएगा और यहाँ वाला पाँच एक्स ऋण दो इससे कट जाएगा। ये दो इसको काट के बनेगा ऋण तीन, और ये ऋण तीन से ऋण छः कट के बनेगा दो। तो हमारे पास क्या आ गया, ऋण तीन ये बचा हुआ है गुणे एक्स ऋण एक, और इधर क्या आ जाएगा, देखिए ऋण तीन ऋण छः को काटेगा तो दो गुणे आठ एक्स धन नौ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऋण तीन एक्स धन तीन बराबर सोलह एक्स धन अट्ठारह। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ऋण सोलह एक्स ऋण तीन एक्स बराबर अट्ठारह ऋण तीन, यानी ऋण उन्नीस एक्स बराबर पंद्रह। तो एक्स बराबर हमारा आ जाएगा ऋण पंद्रह बटा उन्नीस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चित्रों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ दिया 80, यहाँ दिया 50, यहाँ दिया x। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का माप 180 डिग्री होता है तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। तो a b का मान हमें पता है तो 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर प्लस x बराबर 180। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 ऋण 130, तो यानी x बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है 45, इसको आपको दिया है 47 डिग्री और ये दिया है 85 डिग्री। तो ए बी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, तो 47 डिग्री धन 85 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक्स डिग्री बराबर हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे 180 डिग्री ऋण 47 डिग्री ऋण 85 डिग्री, तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 48 डिग्री। नेक्स्ट देखिए यहाँ दिया है दो कोण एक्स एक्स दिया है, यानी दो कोण बराबर हैं और एक कोण दिया 70 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब ए और सी एक्स एक्स है तो हम लिख देंगे एक्स डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री, हो जाएगा दो एक्स डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो दो एक्स डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री ऋण 70 यानी 110 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 110 डिग्री बटा 2 यानी 55 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। अगर सम चतुर्भुज की परिमाप 42 मीटर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये पूरे का परिमाप 42 डिग्री है और उसके बाद देखिए हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ए बी का मान है 15 मीटर, बी सी का मान है x मीटर, सी डी का मान है 9 और डी ए का मान है 10। हम सॉल्व कर लेंगे तो 42 बराबर x धन 34। पक्षांतर करेंगे x बराबर 42 ऋण 34 यानी x बराबर 8 मीटर। फिर देखिए नेक्स्ट दिया है यदि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चारों अंतः कोण का योग है 360 डिग्री तो x धन 75 डिग्री धन 95 डिग्री धन 80 डिग्री बराबर 360 डिग्री। पक्षांतर करेंगे x डिग्री बराबर 360 ऋण 250 डिग्री, तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। मोहन कहता है उसके पास सोहन के पास जितने रुपए हैं उसके पांच गुने से सात अधिक हैं। यदि मोहन के पास 37 रुपए हैं तो सोहन के पास कितने रुपए हैं? तो माना सोहन के पास x रुपए हैं, इसलिए मोहन के पास रुपए कितने हैं? पांच गुने से सात ज्यादा, तो पांच एक्स धन सात। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा पांच एक्स धन सात बराबर 37, तो पांच एक्स बराबर 37 ऋण सात पक्षांतर करने पे, और पांच एक्स बराबर 30 तो एक्स बराबर 30 बटा 5 यानी एक्स बराबर 6, अतः सोहन के पास 6 रुपए। नेक्स्ट एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है, यदि उसका परिमाप 35 मीटर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना आयत की चौड़ाई x, तो आयत की लंबाई 2x धन 1 यानी 2x धन 1। प्रश्नानुसार परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो बराबर हो जाएगा 2x धन 1 धन x का गुणे 2 बराबर कितना है ये 35, तो 35 बराबर हो जाएगा 3x धन 1 का गुणे 2 यानी ये बराबर हो जाएगा आपका 6x धन 2। पक्षांतर करेंगे तो 6x बराबर 35, ये 35 है ऋण 2 इधर दिए 2 इधर जाएगा तो ऋण 2, तो 6x बराबर 33, x बराबर 33 बटा 6 यानी 5.5। तो आयत की लंबाई हो जाएगी 5.5 आयत की चौड़ाई हो जाएगी 5.5 मीटर तथा लंबाई हो जाएगी 5.5 गुणे 2 धन 1 यानी 12 मीटर। तो चौड़ाई 5.5 मीटर, लंबाई 12 मीटर। नेक्स्ट कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 5:4 है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब समकोण त्रिभुज है तो दो न्यून कोणों का मान क्या हो जाएगा, एक कोण तो 90 डिग्री का होगा तो 180 ऋण 90, तो यानी बराबर हो जाएगा 90। तो माना एक कोण 4x तो दूसरा कोण 5x, तो 4x पर धन 5x बराबर 90,
तो ये जोड़ देंगे, 9x बराबर 90, x बराबर 90 बटा 9 यानी 10 डिग्री। तो पहला कोण हो जाएगा 4x यानी 4 गुणे 10 यानी 40 डिग्री, दूसरा कोण 5x यानी 5 गुणे 10 यानी 50 डिग्री। इसके अलावा तीन क्रमागत संख्याओं का योग 33 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या x, तो दूसरी क्या हो जाएगी क्रमागत, x+2, तीसरी क्या हो जाएगी x+1+1 यानी x+2। तो प्रश्नानुसार x धन 1 धन x धन 2 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x धन 3 बराबर 33, 3x बराबर 33 ऋण 3 यानी 30, x बराबर 30 बटा 3 यानी बराबर 10। तो पहली संख्या हो गई 10, दूसरी संख्या हो गई 10 धन 1 यानी 11, तीसरी संख्या हो गई 10 धन 2 बराबर 12। तो तीनों संख्याएं क्या हो गई 10, 11, 12। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति दुकान से कुछ सेब खरीदता है, वह इन सेबों का 1/2 भाग अपनी पत्नी को, 1/3 भाग अपने पुत्र को तथा 1/12 भाग अपनी पुत्री को, शेष 1 सेब अपने भाई को देता है, उसने कुल कितने सेब खरीदे। तो माना कुल सेब है x, तो पत्नी का हिस्सा हो गया x/2, पुत्र का हिस्सा हो गया x/3, पुत्री का हिस्सा हो गया x/2, शेष 1। तो प्रश्नानुसार x/2 धन x/3 धन x/12 धन 1 बराबर x। एक्स को इधर ले जाएंगे तो x ऋण 1/x/2 धन x/3 धन x/12 बराबर 1। अब इन तीनों का कॉमन करके जब हम करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 12 और इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 12x ऋण 6x धन 4x धन x/12 बराबर 1। तो 12x ऋण 11x, अभी 11x हो गया, बटा 12 बराबर 1, x बटा 12 बराबर 1, 12 इधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 12। तो उसने कुल कितने सेब खरीदे, उसने कुल 12 सेब खरीदे। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, रमेश साइकिल से 5x धन 3 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, यदि उसकी चाल x ऋण 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तय की गई दूरी तथा चाल ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर 5x धन 3 किलोमीटर, समय 6 घंटा, चाल बराबर x ऋण 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय इस सूत्र में हम रखेंगे तो x ऋण 2 बराबर 5x धन 3 बटा 6, 6 इधर जाएगा, 6 गुणे x ऋण 2 बराबर 5x धन 3, तो 6x ऋण 12 बराबर 5x धन 3, 6x ऋण 5x बराबर 3 धन 12, x बराबर आ जाएगा 15। तो चाल क्या हो जाएगी x ऋण 2 यानी 15 ऋण 2 यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी क्या हो जाएगी 5x धन 3, तो 5 गुणे 15 धन x यानी 75 धन 3 यानी 78 किलोमीटर।